मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुई चर्चा की जानकारी दी। बैठक में राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति को मंजूरी दी गई है। अदालतों में प्रदेश सरकार को ज्यादातर प्रकरणों में मिल रही हार को देखते हुए सरकार ने 7 साल पुरानी मुकदमा नीति को खत्म कर नई नीति लाने का फैसला किया है। नई नीति के तहत अब मुकदमा हराने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। इंदौर में जो प्रेस क्लब है, उसके परिसर का जो क्षेत्र 2281 दिसंबर वर्ग मीटर है, कुल बिल्डअप एरिया है 1634.20 वर्ग मीटर और 28 शेड उस पर 400 वर्ग मीटर को मान्य करते हुए आज कैबिनेट के द्वारा लोक निर्माण विभाग की पुस्तिका में इसे दर्ज करने का तय किया है। आज राज्य मुकदमा नीति में संशोधन किया है, एक राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति को आज मंजूरी। राज्य सरकार जिसमें पक्षकार है उन मुकदमाओं में अपना ढंग प्रभावी ढंग से रखने के लिए एवं अनावश्यक प्रकरण को रोकने और विभागीय स्तर पर लंबित होने वाले प्रकरणों को शामिल किया गया है। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे इसके लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर समिति बना दी गई। एक ये भी है इसी में कि शासकीय कर्मचारियों को कोर्ट में न जाना पड़े, जैसे छोटे छोटे प्रकरण पेंशन इंक्रीमेंट के रहते हैं, उनके लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एक अलग से बन गया है। इसी तरह से विभाग में एक लीगल एक्सपर्ट जैसे नहीं है, कोई भी फिर से आता है तो सीधा विधि विभाग को राय के लिए भेजा जाता है, तो अब हर विभाग के अंदर एक लीगल एक्सपर्ट रहेगा जिससे वो लीगल ओपिनियन लेंगे और जो आवश्यक होगा उसे विधि विभाग के लिए अगर अपील भी करना है तो वो वही विभागीय स्तर पर करेंगे एक विषय में, और अगर अपील नहीं करना है तो भारसावत अधिकारी से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल के लिए 84 पद, पदाधिकारी कार्यालय के लिए जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिए 408 पद, रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालयों के लिए 1150 पद, कुल 1642 पदों को दिनांक 1/12/2017 से 28/2/19 तक के निर्माण की स्वीकृति, पदों को भरने की अनुमति आज के अपडेट के द्वारा प्रदान की गई है। बैठक में शासकीय कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में आज नई खनिज नीति पर भी चर्चा हुई। रेत खनन नीति में मंत्रिमंडल द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर फिर से मार्गदर्शन लिया गया। मानव अधिकार आयोग में नए पदों की स्वीकृति पर भी मुहर लगी है। खेल विभाग के लिए राशि आवंटित हुई है। नई मुकदमा नीति लाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।